एक बैंक रॉबर जब जेल से भाग रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेती है। बचने के लिए उस बैंक रॉबर ने उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लिया। जो वक्त एक साथ बिताते इससे इन दोनों को प्यार हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आउट ऑफ साइट इन 1998 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक थ्रिलर मूवी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जैक को देखते हैं। जैक एक बैंक में गया। वहां की लेडी से कहता है कि दूर मेरा पार्टनर खड़ा है, वो तुम्हारे मैनेजर से बात कर रहा है। अगर तुमने मुझे पैसे वगैरह नहीं दिए तो गन निकालकर यहाँ पर सब लोगों को मार डालेगा। पहले तुम्हारे मैनेजर को मारेगा और फिर तुम्हें मारने के लिए आएगा। उसने स्पेसिफिक किस टाइप की नोट्स वगैरह उसे चाहिए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दी। वो लेडी बहुत ही डर गई थी तो सारे पैसे उसे दे देती है। जाते वक्त जैक का जो आदमी मैनेजर के पास बैठा था उसके पास हो गया। कहता है कि वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है और उस लेडी की तरफ वो पॉइंट करता है। एक्चुअल में उस आदमी को जानता भी नहीं था। ब्लफ कर ही उसने पूरी रॉबरी पुल ऑफ की थी। वो यहाँ से जल्द से भाग जाता पर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जैक ने एक्चुअल में 100 से ऊपर बैंक रॉबरीज की थी पर वो कभी भी पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। इसके बाद हम डायरेक्टली उसे जेल में देखते हैं। कुछ कैदियों पर वो बहुत दिनों से नजर रख रहा था। उसे पता था कि आज रात ही यहाँ से भागने वाले। उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बनाया हुआ था। गार्ड इस बात पर बिलीव नहीं करता तो जैक ने कहा, रात में मुझे चैपल में मिलो, वहां से हम उन कैदी को देख सकेंगे, तुम उन्हें पकड़ लेना। गार्ड भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद जो लोग भागने वाले थे उसके पास जैक गया। कहता है कि तुम लोगों ने अपना प्लान जरा आगे कर लिया, आज रात तुम भागने वाले हो। वो लोग कहते हैं कि प्रिजन के गार्ड और एक वॉल बना रहे, उससे पहले ही हमें यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। जैक कहता है, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए पर यहाँ से दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ से निकल नहीं पाओगे, तुम्हें पुलिस पकड़ लेंगे। ये लोग मानने नहीं वाले थे और अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं। जैक ने फिर जेल से अपने एक्स वाइफ को कॉल लगाया। ये दोनों अभी भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। वो कहता है, मेरा यहाँ से निकलने का टाइम जल्द आ चुका है, रात में एक गाड़ी लेकर मेरे फ्रेंड को तुम भेज देना। एक्स वाइफ कहती है, तुम्हारे फ्रेंड के साथ और भी एक आदमी आने वाला है, उसका नाम था ग्लेन। ग्लेन और जैक में इतनी अच्छी बनती नहीं थी क्योंकि ग्लेन पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसका जो भी प्लान है इसके बारे में सब कुछ ग्लेन कभी भी किसी को भी बता सकता है। जैक के बेस्ट फ्रेंड का नाम था बड़ी, जो रात में उसे कार में लेने के लिए आने वाला था। ये कार भी उसने चुरा ली थी। नेक्स्ट सीन में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम है कैरन। कैरन पुलिस में काम करती है और आज उसका बर्थडे था। बर्थडे के लिए अपने फादर से मिली। फादर ने उसे एक बहुत ही अच्छी सी गन गिफ्ट की जो उसे बहुत पसंद आती है। आजकल कैरन एक FBI ऑफिसर के प्यार में है पर उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये बात उसके फादर को अच्छी नहीं लगती। कैरन इस सब्जेक्ट को चेंज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रात में वो कुछ काम से जेल से बाहर आई थी। जैक ने गार्ड से कहा था कि हम दोनों चैपल में मिलेंगे। जब गार्ड वहाँ पर पहुँचा तो जैक उसे बेहोश कर उसके कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में कैदियों ने जो टनल बनाया था वहाँ से वो निकलने लग गए पर कैरन इन्हें नोटिस कर लेती है। उसने अपनी गाड़ी से गन निकाली और उन पर शूट किया, उन्हें रुकने के लिए कहा। प्रिजन गार्ड भी ये देख लेते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। उसी टनल में से जैक पुलिस के कपड़े पहनकर बाहर निकला। सबको लगता है कि पुलिस ऑफिसर है और उनका पीछा कर रहा था। कैरन की गाड़ी के पीछे बड़ी की कार भी आ चुकी थी, वो जैक का वेट कर रहा था। अब कैरन इनके रास्ते में थी तो ये दोनों उसे ही उठाकर गाड़ी के ट्रंक में डालकर लेकर जाते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए जैक भी उसके साथ गाड़ी के ट्रंक में आ गया। ये जल्दी से वहां से भाग गए। कैरन ने जैक से कहा कि तुम जैसे मौके का फायदा उठाने वाले लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जैक कहता है कि मैं तुम्हें टच भी नहीं कर रहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अगर हम किसी डिफरेंट सिचुएशन में मिलते तो तुम मुझे पहचान भी नहीं पाती। क्या तुमने मेरा नाम भी सुना है? मैंने इतनी रॉबरीज की है कि मैं उसे काउंट भी नहीं कर पाता। कैरन कहती कि मैं तुमसे डरती नहीं, तुम कुछ ना कुछ तो गलती करोगे और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तुम अपने आप को किसी मूवी की हीरो की तरह समझते हो, जैसे कि बॉनी एंड क्लाइड। मूवी का सब्जेक्ट निकलते ही जैक उसके साथ अलग अलग मूवीज पर डिस्कस करने लगता है। कैरन को भी मूवीज अच्छी लगती थी तो इन दोनों में बहुत सारी बातें हुई। थोड़ा आगे जाकर जब वे सेफ थे तो बड़ी ने कार का ट्रंक खोला। जैक जब बाहर आया तभी कैरन अपनी गन निकालती है। उन्हें शूट करने वाली थी तभी वो फिर से ट्रंक बंद कर देता है। इसी लोकेशन पर इनका और एक फ्रेंड ग्लेन भी आ जाता है। इन्हें यहाँ से निकलने में मदद करने वाला था। वो कैरन को समझा दे कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तो फाइनली उसे वो बाहर निकाल लेते हैं। अब प्रॉब्लम यह था कि इसका करना क्या चाहिए। जैक ने फिर ग्लेन को एक लोकेशन दी जहाँ पर उसे लेकर जाने के लिए कहता है।
ग्लेन और कैरन जब गाड़ी में थे तो कैरन ने उसे पहचान लिया। वो कहती कि मैंने ही तुम्हारा जेल से ट्रांसफर करवाया था। उसने उसे डील दी, कहा कि अब तक तुमने कोई भी क्राइम किया नहीं है, तुम कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, तो इससे अच्छा है मुझे यहाँ से भागने में हेल्प करो और मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। ग्लेन भी डर चुका था तो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम मूवी में एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये फ्लैशबैक तब का था जब जैक और बडी ये दोनों एक साथ जेल में थे। जेल में एक फाइटिंग की मैच चल रही थी जो फिक्स थी। उनमें से एक फाइटर ने पैसे ले लिए थे तो इस वजह से जेल के इनमेट्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इनके साथ ही जेल में ग्लेन भी था। ये तीनों एक आदमी को यहाँ नोटिस करते हैं जिसका नाम था रिचर्ड। रिचर्ड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और फ्रॉड के इल्जाम में यहाँ पर आया हुआ था। ग्लेन के पास इन्फॉर्मेशन थी कि रिचर्ड के घर में 5 मिलियन डॉलर्स के डायमंड्स हैं। जैक अब डिसाइड करता है कि रिचर्ड से वो दोस्ती करेगा और उसके और भी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। कल जिस आदमी ने मैच को फिक्स किया था अगले दिन उसे मार दिया जाता है। रिचर्ड इसकी इंक्वायरी में फंस सकता था पर जैक ने उसे बचा लिया। यही से इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। कैरन हॉस्पिटल में थी और जैक के सपने देख रही थी। एक्चुअल में कल रात जब कैरन और ग्लेन भाग रहे थे तो डरने लग गया, वंडर करता है कि वो जैक को धोखा क्यों दे रहा है। तभी कैरन ने ग्लेन की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, इसमें उसे भी थोड़ी सी चोट आ गई थी। ग्लेन जल्दी से यहाँ से भाग गया और कैरन जरा जख्मी हो गई थी, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए उसके फादर भी आए हुए थे। थोड़ी देर में एक FBI का ऑफिसर भी वहां पर पहुंचा। उसे अलग अलग क्वेश्चन करता है ये सब हुआ कैसे था। कैरन उसे सब कुछ इसे बता देती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास गन थी फिर भी तुमने जैक को मारा नहीं, ऐसा क्यों। कैरन उस एजेंट से कहती है क्या कभी तुमने फील्ड में काम किया है, क्या कभी तुमने किसी को शूट किया है। एजेंट कहता है कि नहीं। तो फिर कैरन ने कहा तो फिर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। रिचर्ड जब जेल में था तब उसे लूटने के लिए बहुत सारे इनमेट उससे पैसे लेते थे। इनमें से एक मॉरिस था। छोटी छोटी चीजों के लिए मॉरिस उसे बहुत ज्यादा चार्ज करता था। यही चीज जब एक दिन जैक के सामने हो रही थी तो आवाज उठाता है। मॉरिस ने उसे कहा कि अपने काम से काम रखो वरना मेरा आदमी तुम्हें बहुत मारेगा। जैक मानता नहीं तो मॉरिस का आदमी उसे मारने के लिए आने वाला था पर जैक ने उसके आदमी को बहुत मारा। इन्हें कंट्रोल करने के लिए प्रिजन गार्ड वहां पर पहुंच गया और मॉरिस जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। रिचर्ड को जैक का इंटेलिजेंस बहुत ही पसंद आया था। उसे कहता है तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, इसके बदले में जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा जॉब दूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, तुम पूरी लाइफ रॉबरी नहीं कर सकते। जैक को भी ये डील बहुत अच्छी लगी थी। फिर इसे प्रेजेंट में हम देखते हैं जैक और बड़ी ये भाग कर एक न्यू सिटी में आए हुए थे। जैक न्यूज़पेपर में कैरन के बारे में देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी ने जानकर उसे समझाया कि कैरन के साथ तुम्हारा चक्कर सही बात नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। जैक इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है मुझे कैरन को लास्ट टाइम फिर से एक बार देखना है। कैरन के घर पर उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये जब कैरन के फादर देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसे वेलकम करते हैं। इन दोनों के सामने कैरन को जैक का कॉल आया। वो एक सेकंड में समझ गई थी कि जैक ही बोल रहा है। कैरन ने जैक से कहा कि मेरी गन तुम्हारे पास है, वो मेरे फादर ने गिफ्ट की थी। जैक कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाता पर शायद तुम्हारी पूरी टीम तुम्हारे साथ है, वो मुझे पकड़ लेंगे। कैरन कहती है कि तुम जल्द से जल्द पकड़े जाओगे। जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक लास्ट काम करेगा और उसके बाद सब कुछ छोड़ देगा। ये बात कर जैक फोन कट कर देता है। कैरन जब फोन रखकर घर में वापस आए तो उसके फादर उसके बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैरन जैक का और भी पता निकालने के लिए उसकी एक्स वाइफ से मिलने के लिए जाती है। जैक को भी कैरन को लास्ट टाइम देखना था तो बड़ी उस पर नजर रखता है और जैक को उसके पास लेकर आता है। दूर से जैक ने उसे देख लिया और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कैरन ने जैक की एक्स वाइफ से बात की पर उसे कुछ भी बता नहीं रही थी। तभी एक गुंडा उसके घर पर आ गया। ये गुंडा एक्चुअल में मॉरिस का था। मॉरिस भी जेल से अब बाहर निकल चुका है, वो भी जैक के बारे में जानना चाहता था। कैरन ने उस गुंडे को पकड़कर जैक की एक्स वाइफ को बचा लिया। अब तक कैरन सिर्फ एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर थी। वो FBI के ऑफिसर को कॉल करती है, कहती है अगर मैंने मॉरिस के गुंडे को पकड़ लिया तो क्या मैं FBI में आ सकती हूँ। FBI के ऑफिसर ने डील एक्सेप्ट कर ली और अब कैरन इस इन्वेस्टिगेशन में FBI के साथ थी। FBI ने पता कर लिया था कि जैक और बड़ी किस होटल में है तो कैरन के साथ सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट नीचे आने में जरा लेट हो रहा था तो कैरन को नीचे ही छोड़कर वो सब ऊपर निकल जाते हैं और जैक और बड़ी लिफ्ट में थे। लिफ्ट जब ओपन हुई तो जैक ने कैरन को देखा, उसे वेव करता है।
कैरन सिर्फ उसे देखते ही रह गए। वो खुद पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जैक एक्चुअल में उसके सामने था। वो फ्रीज हो जाती है और उसका पीछा नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हम ग्लेन को मॉरिस के साथ देखते हैं। ग्लेन का प्लान था कि अब वो रिचर्ड के घर पर जाएगा, उसके डायमंड वहां से चुरा लेगा। इस सब काम के लिए उसे बैकअप की जरूरत थी और ये बैकअप मॉरिस प्रोवाइड करने वाला था। मॉरिस भी इसके लिए हाँ कहता है, पर मॉरिस के और भी आदमी इस काम में शामिल हो गए थे। ये सब आइडिया तो ग्लेन का था, पर अब वो ग्लेन को ये भाव नहीं देते। वो बेचारा बहुत ही डर गया था। रिचर्ड के डायमंड के बारे में जैक और बड़ी को भी पता है और उनका भी सेम ही प्लान था, तो डायरेक्टली जाकर मॉरिस से बात करते हैं। उनके साथ मिलकर उन्होंने उसे 50-50 डील दी। ये डील मॉरिस मान जाता है। अब ये सब लोग जिस सिटी में थे, इनका पीछा करते करते कैरन भी वहां पर पहुंच गई थी। कैरन फिर मॉरिस का पता निकालने के लिए उसकी सिस्टर के पास जाती है। सिस्टर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर वहां एक और आदमी था जिसका नाम था केनेथ। ये बहुत ही डेंजरस है। वो यहाँ पर कैरन को डराने की कोशिश करता है, पर कैरन उसे ही मार कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैक और बड़ी रिचर्ड के घर पर नजर रख रहे थे। बड़ी कहता है, क्या हम सचमुच में जैक के साथ रॉबरी करेंगे? हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैक कहता है कि हम उनके साथ रॉबरी नहीं करेंगे। जिस दिन उनका प्लान बनेगा उसके पिछले ही दिन जाकर हम रॉबरी कर कर आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम और एक फ्लैशबैक देखते हैं। जैसे कि रिचर्ड ने जैक को प्रॉमिस किया था कि जेल से बाहर निकलने के बाद उसे जॉब देगा, यही जॉब लेने के लिए जैक उसके पास आया, तो रिचर्ड उसे बहुत ही घटिया सा जॉब दे देता है। ये जॉब जैक को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया। वो रिचर्ड पर गुस्सा होकर उसके पास आता है। रिचर्ड ने जैक से कहा कि तुम पहले प्रूव करो कि तुम ये जॉब सही से कर सकते हो, इसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर जॉब दूंगा। जैक इस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक मर गए होते। उस जेल में मैंने ही तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। वो वायलेंट हो सकता था, तो रिचर्ड के आदमी ने जैक को बाहर निकाल दिया। इसी वजह से बदला लेने के लिए अब वो रिचर्ड के डायमंड को चोरी करने वाला था। फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं, कैरन एक होटल के बार में बैठी हुई थी। कुछ फ्रेंड्स ने उसे देखा और उन्हें बहुत अच्छी लगी। एक एक फ्रेंड आकर कैरन से बात करने की कोशिश करता है, पर कैरन किसी को भी भाव नहीं देती। एक ने तो कहा कि मैं गेस करता हूँ कि तुम एक सेल्स वुमन हो, तुम एक वुमन हो, इस वजह से तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता, शायद इसी वजह से आज तुम वरीड हो। कैरन उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में जैक उसके पास आ गया। वो भी उसके साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करता है, कहता है कि तुम क्या करती हो। कैरन ने कहा कि मैं सेल्स वुमन हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, इस वजह से मैं सैड हूँ। ये दोनों एक दूसरे से इसी तरीके से झूठ बोलकर रोल प्ले कर रहे थे। जैक उसे कहता है, हमें गेम खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच जो भी है ये बहुत यूनिक है। कभी कभी सिर्फ टाइनी मोमेंट में आप किसी को देखते हो और आपको पता होता है कि आप इन्हें बहुत लाइक करते हो, ये पूरी लाइफ में सिर्फ थोड़ी बार होता है, कुछ लोग तो इसे एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। जैक ने सिटी के हर होटल में कॉल कर कर कैरन का पता यहाँ से निकाल लिया था। ये जो कैरन के साथ उसका मूवमेंट है, ये उसे जाने नहीं देना चाहता। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज की रात अपनी आइडेंटिटी को ये भूल जाएंगे। एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम इन दोनों ने स्पेंड किया, फिर इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होने के बाद कैरन जरा वरीड हो गई थी। उसे लगता है शायद जैक इस रिलेशनशिप को उतनी सीरियसली लेता नहीं, पर जैक ने उसे कन्विंस कर दिया कि वो बहुत ही सीरियस है, पर इन दोनों के बीच में आगे कुछ हो नहीं सकता, इन्हें कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक, बर्डी और मॉरिस के सब लोग एक जगह पर मिले हुए थे। यहाँ पर ग्लेन भी था। ग्लेन अब ये रॉबरी नहीं करना चाहता, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जब गाड़ी में बैठा तो कैरन उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसे कहती है कि मैं अभी के अभी तुम्हें अरेस्ट कर सकती हूँ, पर अगर तुमने मुझे मॉरिस का प्लान बता दिया तो तुम्हें मैं जाने दूंगी। ग्लेन को भी यहाँ से भागना था, तो जल्दी से उसे सब कुछ प्लान बता देता है। आज रात मॉरिस ने अचानक से अपना प्लान बदल दिया। वो जैक से कहता है कि हम रॉबरी आज रात ही करने वाले हैं। इस बात को लेकर फिर जैक और बड़ी ने डिस्कस किया। बड़ी कहता है कि अगर आज रात ही चोरी हुई तो हम दोनों को भागने का चांस नहीं मिलेगा, ये लोग हमें मार डालेंगे। जैक कहता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो अभी के अभी यहाँ से भाग सकते हो, तुम्हारे 50% मैं तुम्हें दे दूंगा। बड़ी इस तरीके से भागने वालों में से नहीं था, वो हमेशा अपने फ्रेंड को सपोर्ट करता है, तो उसके साथ ही आया। ये सब लोग फिर रिचर्ड के घर पर पहुंचे। रिचर्ड का डोर उसकी गर्लफ्रेंड खोलती है। वो कहती है रिचर्ड यहाँ पर नहीं है। मॉरिस उस पर बिलीव कर लेता है। मॉरिस के आदमियों को रिचर्ड की गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी लगी थी, तो उसे रूम में लेकर जाते हैं। हर जगह पर वो डायमंड को ढूंढने लग गए थे। इन्हें अंदर एक सेफ मिली जिसे शूट कर इन्होंने तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर एक कर नहीं पा रहे थे। रिचर्ड की गर्लफ्रेंड ने फिर इन्हें पासवर्ड बता दिया, पर इसमें सिर्फ रिचर्ड के वीक्स थे। जैक जब डायमंड ढूंढ रहा था तो उसे रिचर्ड मिल जाता है। रिचर्ड के रूम में एक फिश टैंक था और इस फिश टैंक में उसने इस डायमंड को छुपाया हुआ था।
ये डायमंड इन्होंने निकाल लिए और ये भागने वाले थे, तभी इन्होंने रियलाइज किया कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड अभी भी घर में अंदर है। मॉरिस के आदमी उसके साथ गलत करेंगे और इसके बाद उन्हें मार डालेंगे। इस तरीके से भागना उन्हें गलत लगता है। जैक ने कभी भी किसी को मारा नहीं था। जैक ने बड़ी को समझाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस डायमंड को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। वो उसे बहुत इंसिस्ट करता है, इस वजह से बड़ी को यहाँ से जाना पड़ा। मॉरिस का एक आदमी रिचर्ड की गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तो जैक ने गन लेकर उसे शूट कर दिया। वो बेचारा फर्स्ट टाइम गन चलाकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। मॉरिस ने सब देख लिया, वो जैक के पास आया, उसे शूट करने वाला था, पर उसकी गन में गोलियाँ नहीं थी। जैक ने भी मॉरिस को शूट करने का ट्राई किया, पर उसकी भी गन में गोलियाँ अब नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत फाइट करते हैं। मॉरिस जैक को मारने वाला था, तभी कैरन ने मॉरिस को शूट कर दिया। कैरन जब ग्लेन से मिली थी, तभी से उसने मॉरिस और जैक पर नज़र रखी थी। जैक ने फिर खाली गन उठाई। कैरन उसे कहती है कि वो गन फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। जैक कहता है कि मैं नहीं कर सकता, फिर से मैं जेल नहीं जा सकता, तुम मुझे शूट कर दो, यही मेरे लिए एक अच्छा एंड होगा। जैक मान नहीं रहा था और पुलिस बाहर पहुंच चुके थे। कैरन को कुछ ना कुछ तो करना था, तो उसने जैक के पैर पर गोली चला दी और उसे अरेस्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। ये ट्रांसफर का काम कैरन का ही है। जैक के साथ और एक कैदी है। जैक जब इसे बात करता है, तभी पता चलता है कि कैदी हमेशा जेल से भाग जाता है। एक दो बार तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त भी भाग चुका था। जैक और कैरन एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। इसका मतलब था अब वो जैक को यहाँ से भगा रही थी। बड़ी के पास डायमंड सेफ थे। जैक अब बाहर निकलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। कैरन और वो हमेशा एक साथ आराम से रह सकते हैं। और इसी मोमेंट पर ही मूवी एंड हो जाती है। इसी हैप्पी एंड के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।